इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। एक बार फिर राम मंदिर के जरिए पूरे देश के माहौल को क्या खराब करना चाहते हैं मोदी हुकूमत। ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि एक बार फिर पूरे देश में राम मंदिर की तामीर को लेकर माहौल गरमाने की साजिश चली जा रही है। राम मंदिर के लिए घर घर जाकर चंदा इकट्ठा किया जाएगा। तकरीबन 1000 करोड़ रुपए आवाम की जानिब से चंदा इकट्ठा करने की बात कही जा रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस तहरीक से 3 से 4 लाख के हिंदुत्व कारकुनान जुड़ेंगे। उनकी कोशिश होगी 50 करोड़ लोग 11 करोड़ घरों तक और 5 लाख गांवों तक मंदिर की तारीख को बयान किया जाएगा कि राम मंदिर कब कैसे कार सेवा के जरिए अंजाम दिया गया, मंदिर को कैसे तोड़ा गया, तोड़कर किस तरह से मस्जिद बनाई गई, फिर 1992 की वारदात, फिर अदालत का फैसला और एक बार फिर तामीर, तमाम तस्वीरों के जरिए दिखाने की बात कही जा रही है। 2021 में मकर संक्रांति यानी कि जो हिंदू साल है उससे यानी 14 जनवरी से ये जनसंपर्क अभियान यानी राम मंदिर के जरिए आवाम से राब्ते के नाम पर चलाया जाएगा और 27 फरवरी को खत्म हो जाएगा। राम मंदिर तहरीक को मुकम्मल करने के लिए कारकुनान को 42 दिन का वक्त दिया गया है। अब इस तामीरी काम के जरिए बड़े पैमाने पर रियासत के वजीर आला सदर हिंद नायब सदर वजीर आजम मोदी और दिगर मुल्क के बड़े शख्सियतों से राब्ता किया जाएगा। एक तरह से फिर हिंदुत्व का माहौल पूरे भारत में बनाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय ने बताया कि मंदिर भगवान का रूप है और इसके कदमों में पैसा अपने आप आएगा। सिर्फ हर गांव शहर में जुलूस निकाला जाएगा। 10 रुपए से लेकर 100 और 1000 के कूपन बनाए जाएंगे। आवाम खुद ही चंदा देती जाएगी। चंदे का नाम राम मंदिर निधि समर्पण अभियान रखा गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब 3-3 हजार करोड़ की मूर्तियां हुकूमत की जानिब से लगाई जाती है तो हुकूमत ही 1000 करोड़ क्यों खर्च नहीं करना चाहती। इस सवाल पर अजीब जवाब भी दिया जाता है, मंदिर पर पैसा खर्च करना हुकूमत का जिम्मा नहीं है या ये हुकूमत का काम नहीं है बल्कि ये पैसा आवाम की खिदमत पर खर्च कर रही है। लेकिन अब इतना जरूर तय है कि एक बार फिर चंदे के नाम पर देश के माहौल को आलूदा बनाने का फैसला इन लोगों ने लिया है और इससे पहले भी कई मरतबा राम मंदिर तामीर पर चंदा इकट्ठा किया जा चुका है। 1000 करोड़ रुपए 1992 बाबरी मस्जिद शहीद करने से पहले कार सेवा और रथ यात्रा के जरिए 1000 करोड़ का हिसाब अभी तक आवाम के सामने नहीं है। लिहाजा एक बार फिर राम मंदिर तामीर के नाम पर पूरे देश में तहरीक चलाकर मोदी को और मजबूत बनाने की तैयारी जारी हुई है। कई मामलों में आज भी पीएम केयर के नाम से लिया गया करोड़ों रुपए का हिसाब नहीं मिला। पीएम केयर फंड नाम से कोरोना के दौर में आवाम से पैसा वसूला गया पर वजीर आजम के दफ्तर से कोरोना नाम पर पैसा वसूल 1000 करोड़ में किया गया पर इसका कोई हिसाब अब तक आवाम नहीं पा सकी। इसकी कहानी भी अजीब है। पहले 2 महीने तक यह सरकारी फंड था ही नहीं, बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट फंडिंग की गई। हजारों लाखों करोड़ में एक एक शख्स ने 25-25 करोड़ रुपए चंदा दिया। खुद वजीर आजम ने ऐलान किया। वैसे भी टीवी पर आकर ऐलान करने की वजीर आजम की एक पुरानी आदत है। उन्होंने कहा कि कोविड के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पैसों की जरूरत है पर बड़ी चालाकी के साथ इस पैसे को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया। कोई इसका हिसाब तक ना पूछे। खैर इसी तरीके से कई योजनाएं कई स्कीमों को चलाया जाता है। लिहाजा पूरे देश में माहौल को खराब करने के साथ साथ पैसा भी इकट्ठा करने का काम मोदी हुकूमत कर रही है। बैरूनी ममालिक से भी पैसा आएगा वो अलग है, उसके बारे में भी बताएंगे ऐसा चंपत राय ने बताया और इसके रहबरी तमाम हिंदुत्व तंजीमें कर रही हैं। आपको भी याद होगा कि रथ यात्रा के जरिए राम मंदिर पर चंदा और खून खराबा दोनों साथ साथ किया गया। एक बार फिर यही करने का इरादा मोदी और भगवा ब्रिगेड का साफ नजर आ रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि 2023 तक मंदिर मुकम्मल हो जाएगा। और वैसे भी कई हिंदुत्व तंजीमों ने भारत के हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान भी किया हुआ है। आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे और एक देश एक पार्टी का मंसूबा भी मुकम्मल करने का इरादा साफ दिखाई दे रहा है। वैसे भी अब विपक्ष तो रहा नहीं, विपक्ष भी एक बिल्कुल कमजोर विपक्ष बन चुका है। भारत की मईशत डूब रही है, कारोबार बंद है, बेरोजगारी तारीकी मकान पर है। लिहाजा सभी भारत के मजदूर किसान परेशान है। तक
तकरीबन 25 किसानों की अब तक मौत हो चुकी है और मोदी शाह को बंगाल चुनाव राम मंदिर जैसे मसाइल में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। बरसों इसी मस्जिद मंदिर में खूब लड़ लिए, अब अदालत का फैसला भी आ चुका है, अगर वाकई मंदिर तामीर करना ही है तो करोड़ों की मूर्तियां जिस तरह किसी को पूछे बगैर खर्च करते हो, मंदिर भी उसी तरह से तामीर कर लेना, किसी को भी एतराज नहीं है। पर राम मंदिर के नाम पर एक बार फिर खून का रवाया, नफरत की सियासत ठीक नहीं होगी, क्योंकि देश की आवाम अब थक चुकी है, इन्हें दो वक्त की रोटी तो चैन से खाने दो, ऐसा आवाम का कहना है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह।